नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिश्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे शुभ कर्तरी योग, हाथ में एक ऐसा योग बनता है। कहते हैं जिस भी जातक के हाथ में ये योग बनता है, कोई भी काम शुरू करता है तो उसमें सफलता मिलती है, बाधा नहीं आती है और इस काम में सफलता मिलती जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहली हमारी ये जीवन रेखा, जीवन रेखा हमारे जीवन के एक एक प्रोस्पेक्ट के बारे में बताती है। यह हमारी मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा हमारे मन के विचारों में, मन के गहराइयों के बारे में बताती है, और यह हृदय रेखा हमारे दिल के बारे में, हमारे प्यार के बारे में बताती है। कहते हैं कि शुभ कर्तरी योग काफी शुभ फल देता है, ऐसा माना जाता है। इस जन्म में जन्मा व्यक्ति अपने जीवन काल में अवश्य ऊंचाइयों पर पहुंचता है, धन धन से भरपूर, मां की सेवा करने वाला है, अचल संपत्ति का मालिक बनता है, प्रॉपर्टी से, गाड़ी से, सुख से, सभी मूलभूत चीजों से लैस होता है। और हाथ में बनता कैसे है, यह शुक्र का पर्वत, इसको हम शुक्र का पर्वत बोलते हैं। शुक्र का पर्वत उठा हो, ये पर्वत उठा हो, बहुत ज्यादा उठा नहीं होना चाहिए, एक मीडियम का होना चाहिए। शुक्र की एक ही क्वालिटी है, सुख सुविधा देना, आपको भौतिक सुख का आनंद देना। कहते हैं पानी पीने से लेकर सोने तक जो भी आनंद आता है वो शुक्र के दायरे में आता है। ऐसे लोग अपने जीवन काल में सुख सुविधाओं से लैस होते हैं, काफी शुभ योग माना जाता है ये। और एक भाग की रेखा, ये भाग की रेखा, सफलता तो हर एक इंसान को मिलती है। कहते हैं भाग रेखा है तो अपार धन संपदा के मालिक बनते हैं, और इस लाइफ में आज जिसके पास धन नहीं है उसका कोई महत्व नहीं माना जाता है। लेकिन अगर ये रेखा है आपके हाथ में, कर्म करने की जरूरत है, एक शिखा पे चढ़ने की जरूरत है, एक मंजिल पे चढ़ने की जरूरत है। ये रेखाएं एक संकेत बताती है, ये योग काफी प्रबल है। और ये गुरु का पर्वत उठा होना चाहिए, समान रूप से विकसित होना चाहिए। गुरु एक ज्ञान का ग्रह माना जाता है, मान सम्मान का ग्रह माना जाता है, प्रतिष्ठा देता है, ऐसे लोगों को धार्मिक नेचर से जोड़ता है, आध्यात्मिक से भी जोड़ता है। और ऐसे व्यक्ति हमेशा अपने जीवन काल में दूसरों की सेवा भावना करने वाले होते हैं, दूसरों का भला करने वाले होते हैं। और ये गुरु की फिंगर सीधी हो, थोड़ी लंबी हो, आपके अंदर एक दिशा निर्देश देने का काम करती है। और ऐसे लोग किसी भी क्षेत्र में हो, एक मैनेजमेंट का काम करते हैं, एक प्रबंधक का काम करते हैं। और इसी तरह से ये जिसको हम ये सूर्य की फिंगर बोलते हैं, सूर्य की फिंगर सीधी और लंबी हो, और ये सूर्य का पर्वत उठाओ, हमेशा इन पर्वतों की एक जो डिग्री होती है उनके गुणों को बढ़ा देती है, संकेत देती है उनके पावर को बढ़ाने का। सूर्य जैसे एक मान सम्मान का ग्रह है, आपकी अथॉरिटी का ग्रह है, एक ऐसा ग्रह है, अगर सूर्य आपका अच्छा है, आपको एक दिशा देता है, एक निर्देश देता है,
एक आगे की तरफ बढ़ने की प्रबल क्षमता रखते हैं ऐसे व्यक्त अपने जीवन के हर उस लक्ष्य को भी प्राप्त करते हैं। मान सम्मान यश कीर्ति सब कुछ ये रेखा सूर्य की रेखा और सूर्य का पर्वत देता है और ये राहु का क्षेत्र है। इस योग में सूर्य की फिंगर बड़ी हो, सूर्य का पर्वत हो और ये गुरु की फिंगर हो बड़ी हो और गुरु का पर्वत हो और ये राहु का क्षेत्र है। राहु का क्षेत्र थोड़ा सा दबा होना चाहिए। कहते हैं ना जीवन में पैसे की इकट्ठा करने का संकेत देता है और ये राहु एक तरह का यहां पर आपको अच्छा शुभ फल प्रदान करता है और ये शुक्र गुरु और यहां पर अगर गुरु का पर्वत उठा है और इसकी गुरु के पर्वत पे जीवन रेखा से एक रेखा भी निकलती हो आपके जीवन काल में उस पीरियड को उस समय को दर्शाती है कि आप अपने जीवन काल में अवश्य अपने हर लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आपको जीवन काल में किसी प्रकार की कोई कमी को नहीं दर्शाती है। किसी भी शुभ काम को करते हैं और वो काम समाप्त होता है उसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आता है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।